बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप देख रहे हैं AQ TV और मैं हूँ गुलफाम अली हुसैनी, तालब इलम हूँ इल्मुल हर्फ व अदद का और इल्मे जफर का। नाज़रीन इकराम, आज मैं कुरान करीम की बहुत ही आयत अज़ीम सूरतुल अल-मोमिन। आप देखें कि सूरह अल-मोमिन, लफ्ज़ मोमिन इसमें मोमिन पे दो मीमें हैं, एक मीम के बाद वाओ, वाओ से पहले मीम है, एक नून से पहले मीम है, दो मीमें हैं। हर मीम का अदद इल्मे जफर में अदद मुफरत चार है, तो दो मीमों का आप देखें कि चार और चार, ये निशान है सूरतुल अल-मोमिन का आयत नंबर 44, 44 नंबर आयत, जो कि हर चार एक मोमिन की मीम की तरफ इशारा है। नाज़रीन इकराम, अमल लेके हाजिर खिदमत हूँ, हर रंजो गम दुख दर्द आपका दूर हो जाए और गैब से आपकी मदद हो, गैबी दरवाज़े खुल जाए, रहमतों पर कोतों का नजूल हो जाए। नाज़रीन इकराम, पारा नंबर 24 है, सूरह अल-मोमिन है, आयत नंबर 44, 44 नंबर आयत का निशान है। इशा के बाद नमाज इशा की पाबंदी करें, नमाज इशा के बाद आपने 101 मरतबा पढ़कर दुआ करनी है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। नाज़रीन इकराम, अगर आप शर्फ़ कमर में इस आयत के अदात के मुताबिक लो बनाकर आप घर में लटका लेंगे तो आपके घर से दुख दर्द रंज गम परेशानियां रफा दफा हो जाएंगी। अगर ख़ुद तैयार कर सकें तो खूब है, वरना आप किसी भी साहिब इलम से या मुझ हकीर से भी आप रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, गैब से मदद होगी, बहुत बड़ा अमल आपको हदिया किया है। मिलते हैं मज़ीद राज़ असरार और अमल के साथ, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने कहा।